नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक बरकत आलम से मारपीट, टोपी गिराने और धार्मिक नारे लगवाने के मामले में बवाल मचा हुआ है। मामले में फिलहाल कुछ नए एंगल सामने आए हैं। खुद पीड़ित युवक ही अब सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस में दर्ज कराई गई FIR में कुछ कहा, मीडिया में अलग बयान दिया और CCTV फुटेज कुछ अलग बयान कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। हम पहले आपको बताते हैं FIR में बरकत ने क्या लिखवाया। FIR में लिखा है, मैं हसनपुर वार्ड नंबर 2 टेगरा बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूं। फिलहाल मीट मार्केट जैकमपुरा गुरुग्राम में रहता हूं। मैं सिलाई का काम सीखने के लिए गुरुग्राम आया था। तारीख 25 मई 2019 को समय रात करीब 10:15 पर सदर बाजार मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहा था, जब मैं श्याम स्वीट्स सदर बाजार के सामने पहुंचा, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 4 आदमी थे और 2 पैदल चल रहे थे। पैदल चल रहे आदमियों ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि आप इस इलाके में टोपी पहनकर नहीं जा सकते। उन्होंने शराब पी रखी थी। मोटरसाइकिल पर 4 आदमी थे, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा और उन्होंने मेरे को गालियाँ दी और वे मोटरसाइकिल वाले मौके से भाग गए। दोनों व्यक्तियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उन सभी का नाम पता नहीं जानता हूँ, सामने आने पर पहचान सकता हूँ, मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं देख सका। अब इस FIR से पहला सवाल खड़ा होता है कि इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आरोपियों ने बरकत से जय श्री राम या भारत माता की जय के नारे लगवाए, जबकि बरकत आलम ने 26 मई के दिन जब मीडिया को बयान दिए तब उसने कहा कि उससे धार्मिक नारे लगवाए गए। देखें हिंदुस्तान टाइम्स में छपा बरकत का एक बयान, इसमें लिखा है, घटना उस वक्त हुई जब मैं सदर बाजार एरिया के जामा मस्जिद में नमाज के बाद घर जा रहा था। बाइक पर सवार 4 शख्स पैदल चल रहे थे और लोगों ने मुझे रोका। पैदल चलने वालों में से एक ने मुझे डंडे से मारा और कहा कि इस एरिया में टोपी नहीं पहनने दूंगा, टोपी उतारो। मैंने उससे कहा कि मैं मस्जिद से लौट रहा हूँ। जब मैंने टोपी उतारने से इनकार कर दिया तो मुझे पीटा और ज़बरदस्ती टोपी उतार दी। मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं विरोध कर रहा था लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उनमें से एक ने मुझे डंडे से पीटा। उसने मुझे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे पोर खिलाने की धमकी भी दी। मेरा कुर्ता भी फट गया। जब मैं रोने लगा तो वे भाग गए। अब एक और अहम सवाल खड़ा होता है, वो ये कि धार्मिक नारे लगवाने के आरोप मीडिया में उसने अपनी मर्जी से लगाए या किसी ने उसको ऐसा करने के लिए कहा, या फिर सच में उसके साथ ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो ये बात उसने FIR में क्यों नहीं दर्ज करवाई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, CCTV फुटेज में क्या दिखा वो जान लीजिए। इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि CCTV फुटेज में इस पूरी घटना की अलग ही कहानी सामने निकल कर आई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील ने इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हिमांशु मिश्रा को बताया, वारदात वाली रात ही पुलिस ने इलाके के सारे CCTV फुटेज खंगाल लिए थे। एक CCTV में वारदात पूरी तरह से कैद हो गई है। उसमें देखने से पता लगा है कि बरकत अकेले ही अपने घर की तरफ रात 10 बजे के करीब वापस जा रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वो रुका नहीं। जब दोबारा आवाज़ लगाई तो बरकत रुक गया और एक युवक आया, उसने बरकत के सिर पर हाथ मारा जिससे उसकी टोपी गिर गई। फुटेज बहुत साफ नहीं होने की वजह से ये पता नहीं लगा कि टोपी नीचे गिरी या बरकत ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बरकत का बयान है कि उसकी टोपी गिर गई थी। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने इस पर सवाल उठाया कि बरकत ने नारे वाली बात अपनी शिकायत में क्यों नहीं दी, लेकिन अगले दिन उसने ये बात कही कि उस आरोपी युवक ने उससे भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ऐसा कोई शख्स तो नहीं जो बरकत को गुमराह करके झूठ बुलवा रहा हो। कमिश्नर का कहना है कि आरोपी शराब के नशे में था और अब तक की जांच में ये बात साफ है कि ये एक महज आपराधिक वारदात है और आपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता। इस मामले में अब तक किसी संगठन के हाथ होने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। उन्हें आरोपी के कुछ सुराग मिले हैं और उन्हें उम्मीद है कि आरोपी जल्द उनकी गिरफ्त में होगा। आरोपी पास के ही इलाके का रहने वाला है। अब इतने सारे वर्जन हैं इस स्टोरी के, कौन सा सही और कौन सा गलत ये तो जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी तभी पता चल सकेगा। हमने आपको जो अपडेट थे अब तक वो बताए, आगे पुलिस जो खुलासा करती है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए dillallantop.com। इस पूरे मसले पर और जो नए एंगल सामने आए हैं उनके बारे में आपका क्या सोचना है हम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।